हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। एंड कल हम एक ही चीज़ सोच रहे थे कि यार यहाँ पे एक चीज़ का फ़ायदा तो है जब से हम शिफ्ट हुए हैं कि यहाँ पे आँख जल्दी खुल जाती है। सुबह को जल्दी आँख खुलेगी हमेशा, क्योंकि सामने से ही लाइट्स पड़ती है जैसे हम इसको कर्टन को साइड करते हैं। लेकिन बिल्कुल सही सोच रहे थे हम। अभी बज गए हैं सुबह के 11:11 हमारी आँख खुली है। एंड आज है day 2 जो हम मैनेज करके चल रहे हैं कि हम डेली व्लॉग्स करेंगे। तो अभी हम चलते हैं बाहर, हम देखते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो? नाश्ता। माँ के लिए वो रूल अप्लाई होता है जो मैं सोच के सो रहा था। मैं कह रहा था ना कि यार यहाँ पे एक चीज का फायदा तो है, यहाँ पे आँख बहुत जल्दी खुला करेगी हमेशा। हाँ जी मोटो। हाँ, बहुत जल्दी खुला करेगी, 11 बजे तो खुली गई थी। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हम ये सोच के सोए थे कि हम लोग जल्दी उठ जाया करेंगे, लेकिन हमने रुड़की वाला ही हाल कर दिया यहाँ। यार गलती भी हमारी नहीं है, लॉकडाउन की वजह से सब चल रहा है। तो ये क्या मतलब, आज आप इसको पियोगे कि ड्रॉप बनाओगी? नहीं आज तो मैं पी रही, मैंने इसलिए पहले बंद कर दिया था आज। हाँ, मैं आज अपने जैसा एक और जोड़ा मिला है जो कि बिल्कुल हमारे जितना रोमांटिक है। ये देखो कैमरा, देख ये भी हट गई, बहुत तेज है ये भी। पहले प्यार कर रहे थे, अभी नहीं पता लगा फोटो शूट चल रहा है। हट गए, नहीं लग रहा है हमारी वीडियो बना रहे हैं लोग। यहाँ खड़ी होकर कबूतरों का प्यार, दो कबूतर हम थे, दो कबूतर वो थे, चारों रोमांटिक रोमांटिक हो रहे थे। अब गेस करना कि हमारे वाली कार कौन सी। ला 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 ला। तो जिसने सही गैस किया उसे मिलेंगे 3 points। एंड एक और चीज़ है गाइस कि व्लॉगिंग इज़ नॉट अबाउट सेलिब्रेशन। तो जरूर नहीं कि हर वीडियो हम सेलिब्रेशन की अपलोड करें। मुझे खुद अजीब लगने लगा था कि हम काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन करते हैं हमेशा से ही, कॉज किसी मेमोरी हर चीज़ की मैं क्रिएट करके अपने पास रखूँ हमेशा के लिए। तो मुझे हमेशा से मन होता था कि छोटे छोटे सेलिब्रेशन होते रहने चाहिए लाइफ में, तभी चीज़ें बहुत अच्छी सी रहती हैं। लेकिन एक चीज़ और मुझे उसके बाद फील हुई, हम लोगों के जो बेसिक थॉट्स हैं वो आप लोगों के पास तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, नहीं आप लोगों की फीलिंग हमारे पास तक आ पा रही है। तो हम डेली व्लॉगिंग इसीलिए शुरू किए हैं कि आप लोगों से हम कनेक्ट कर पाएँ, डेली बातचीत कर पाएँ, डेली लाइफ में हम क्या क्या चीज़ फील करते हैं, क्या क्या चीज़ हम करना चाहते हैं, क्या हमारे ड्रीम्स हैं, एंड किस चीज़ में आप हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, वो सब चीज़ों की बात अब डेली व्लॉग में हुआ करेगी। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, ऐसे ही प्यार करते रहिएगा, एंड आने वाले टाइम में हम बहुत ही अच्छे अच्छे आपको व्लॉग्स देंगे, आई एम डैम श्योर। एंड एक और चीज़ गाइस, कुछ बच्चे हैं जो हमें स्ट्रीम पे देखना चाहते हैं, उन्हें नहीं पता लग पा रहा कि हम कहाँ पे स्ट्रीम करते हैं। जल्दी जाइए, नीचे एक चैनल का नेम आ रहा है यूवी चौधरी के नाम से, उसे जाके सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे हम डेली स्ट्रीम शुरू करने वाले हैं। मैंने कहा था कि नोएडा पहुँच के मेरा पीसी मेरे पास आ जाएगा, उसके बाद मैं स्ट्रीम शुरू कर दूंगा। मेरे पास एक कॉल आ रही है, तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लें। और मेरा बुग्गा भी उठ गया है। गुड मॉर्निंग राजा, गुड मॉर्निंग बेटी, बात ही कर लो पापा से बेटा। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा सोना, ऐसे को मुंह बनाना है बेटे को। अच्छा अच्छा, गोद में ले लो। तो अभी हम कर रहे हैं ब्रंच, दीदी ने बनाया पोहा। पोहा मुझे बहुत टेस्टी लगता है दीदी के हाथ का, तो इसलिए दीदी 2-3 दिन के गैप पे हमें खिला देती है। खुशी को बहुत पसंद है। लेकिन हाँ, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इसमें पोहे के दाने से ज्यादा डोडिया है इसमें, है ना? डोडिया मूंगफली। जिन्हें नहीं पता है डोडिया मतलब मूंगफली। और एक चीज हो रहा है हमारे साथ, एक छोटा सा सीन हो गया है, हमारा एक सरप्राइज शूट बताऊंगी इसके बारे में कि एक हमारा सरप्राइज शूट आ गया एकदम से, हमें नहीं पता था कि वो इतना जल्दी आ सकता है। हमारा एक सरप्राइज शूट है जो हम अभी नहीं बताने के, बट उसमें चाहिए पंजाबी सूट, और यहाँ पे पंजाबी सूट मैं कहाँ से लेके आऊँ। तो अब हम दूसरे अभियान पे चल रहे हैं जो है सूट ढूंढना। बहुत जल्दी जल्दी हमको सारे कपड़ों का अरेंजमेंट करना है अपने, क्योंकि खुशी जो सारे सूट्स वगैरह हैं इसके, पंजाबी सूट्स वगैरह सब रुड़की छोड़ के आ गई। तो अभी हम कुछ ट्राई करते हैं कि कहीं से हमें सूट्स मिल जाए, एंड एक दो वेस्टर्न ड्रेस इसके लिए अच्छी सी वो मिल जाए। तो अभी के लिए हम लोग रेडी हैं, हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी से हमें सारी शॉपिंग करनी है। खुशी को भी ले लेते हैं जल्दी साथ, वो भी रेडी है काफ़ी देर से। चलो बुग्गू बुग्गू चलो, बस 5 मिनट में। ये क्या सुना रही हो इसको? बेकार नहीं रही, अभी इसने दुद्धू पिया है और सोना है, सो रहा है। और देखो कैसे सुन रहा है बातों को, गाना सुनाने वाला। सो जा मेरा बाबू, एक और इसको मैं सुनाती हूँ तो ये सो जाता है। काका पटाका छलियां दा राखा, छलियां नु पै गए चोर, काका मंजी लेके दौड़। अब ये ऐसे आने लग गया ना गोद में तो कंफर्टेबल हो गया, वरना ऐसे कूदता वो था। हाँ अब इसको अच्छा फील हो रहा है लेकिन ना गोद में। ठीक है तो अभी हम लोग निकलते हैं। बुग्गू देखे, बुग्गू के देख, बुग्गू यार ने अपने फिंगर पे क्या किया बाबू। तो अभी मैंने और माँ ने इसको पकड़ लिया है करते हुए, इसने एक फिंगर ये वाली
और ये वाला थंब अपने मुंह में डाला हुआ था तो ऐसे रेड कर लिया प्रॉपर, ऐसे चूस रहा है ऐसे। बाबू पिटी पिटी हो जाएगी, ये बैड है, पिटी पिटी हो जाएगी बुगू, ऐसे नहीं करना बाबू। एक नई चीज मिली है आज, क्या है जब इसमें वाइब्रेशन होता है ना, देखा देखा करके। सीरियसली यार, अगर मतलब आपका कुछ अच्छा खाने का मन हो और उसकी एक मेरी जैसी बहन हो तो मतलब इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। एंड सुबह भी मैंने कुछ ऐसे ही खाया था और अब दीदी ने मेरे लिए बनाया है वाइट सॉस पास्ता। ओह माय गॉड, गजब पास्ता, गजब पास्ता, थैंक यू सो मच दीदा। वैसे डेली व्लॉग एक यूनिक एक्सपीरियंस है, वैसे ये बात तो सच्ची है ना खुशी, लेकिन फिर भी आप लोग इतना प्यार दे रहे हो तो हम कंटिन्यू करेंगे इस प्यार को। कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि जब भी राजा को नींद आती है तो राजा इस सॉन्ग को सुन के एकदम से सो जाता है, और जब हम छोटे थे तो मम्मी हमको भी यही गाना सुनाती थी। एंड प्लीज कमेंट करके बताना कि किस किस की मम्मी ने उनको ये वाला गाना सुनाया था, लोरी गा के सुनाती थी वाली। पहले प्रॉमिस करूंगा। अच्छा चलो, मैं सारी फैम के सामने प्रॉमिस करता हूँ, आज हुआ क्या यार, मुझसे गलती होगी छोटी सी, मैंने खुशी के काफी सारे फोटोज क्लिक की थे और वो गलती से मुझसे सारे डिलीट हो गए, जब से इसने मेरा फोन छुपा के रखा हुआ है। मैं सबके सामने प्रॉमिस कर रहा हूँ, 100-150 फोटो खींचोगे अलग अलग कपड़ों में। चलो मैं आपकी 50-50 क्लिक कर लूँ। नहीं 50 नहीं, मैं आप सबको बता देती हूँ, ये वैसे बोल रहे थे मैं इसकी बहुत फोटो खींचता हूँ, एक कपड़े में से 10 फोटो खींचने के बाद कहते हैं और यार बहुत है, खींच तो दी। चलो कल मैं आपकी, आपने जानबूझ के डिलीट करी ना। नहीं बाबू यार ऐसे नहीं होता आप। अच्छा तो फिर एक बात करो, आपकी डिलीट नहीं हुई, मेरी उस फोन से फोटो कैसे डिलीट। चलो कल मैं आपकी 100 पिक्स पूरी क्लिक करूंगा मेरा फोन से। अगर इन्होंने मेरी 100 फोटो नहीं करी तो मैं अगले व्लॉग में बताऊंगी, तो आप सारे इनको जाके इंस्टा पे अनफॉलो मार देना, बहुत झूठे हैं। नहीं नहीं, सबको तो इंस्टा पे अनफॉलो मार देना, इसको अनफॉलो मार देना पहले। अभी अभी इन्होंने प्रॉमिस करा कर नहीं खींचे, मैं फिर बताऊंगी। पक्का पक्का डन, ठीक है डन, देखिए इधर ही रहना, मैं खुद लेके आऊंगी, आप मेरा ठिकाना देख लो। ये मैं इनका फोन दे रही हूँ, इन्होंने मेरे से प्रॉमिस करा था मैं 100 फोटो खींचेंगे, अगर मेरी प्रोफाइल पे 100 फोटो नहीं दिखी तो आप जाके 100 फोटो तो उसमें से कुछ ही तो काम की होंगी, मतलब अलग अलग कपड़ों में 100 खींचोगे। अगर मैं ना खींचू अब तो चलो, मुझे शूट के लिए बहुत सारे कपड़े चाहिए थे, पहली बार ऐसा हुआ है कि शूट के लिए वेस्टर्न नहीं चाहिए, इंडियन चाहिए, तो माँ बेचारे जितने भी अपने प्यारे प्यारे सूट संभाल के रखे थे जो भी सिले नहीं, सब निकाल के रख दिए कि तुझे जो जो पसंद है तू ले ले, और मैंने माँ से बहुत सारे सूट संभाल लिए। एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, आज के लिए बस इतना ही, अभी राजा है रोने के मूड में, इसको सुला दिया जाएगा, फिर हम देखेंगे बिग बॉस, करेंगे स्ट्रीमिंग, और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। और जाने से पहले प्लीज मैं इतना बोलूंगी, अगर आप वीडियो को देख रहे हो सब्सक्राइब करके जाना, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप प्लीज लाइक कीजिएगा, थैंक यू सो मच, और शेयर कीजिएगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरा भी चैनल है उसको मत भूल जाना। राजा बेटा अभी बोल दो कुछ। और एक और चीज, अभी मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे कि सब लोग बोल रहे थे कि राजा का रूटीन देख रहे हैं, सिर्फ राजा का सुबह से शाम तक, तो अगर आपको सिर्फ राजा का रूटीन देखना है तो आप प्लीज कमेंट में बताइएगा जरूर, फिर नेक्स्ट व्लॉग हम सिर्फ राजा के लिए बनाएंगे। ओके सो जब तक के लिए बाय एवरीवन।